भाइयों और बहनों, इस बार केंद्र सरकार जो बजट लेकर आई है उसका भी बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। देश के पहाड़ी इलाकों के लिए खास तौर पर बजट में पर्वतमाला प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इसके तहत पहाड़ों पर आवागमन के लिए रोपवे जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। जिन सीमावर्ती इलाकों को कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर विकास से वंचित रखा था, उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की जाएगी। किसानों के लिए गंगा के किनारे किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड को तो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रकृति का असीम आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन ये लाभ आप तक तभी पहुंचेगा जब दिल्ली से चलने वाली विकास की धारा को देहरादून से भी ताकत मिले। ऐसे लोग ना आ जाए कि दिल्ली से आ रही विकास की धारा को वहीं ठप कर दें, वरना फिर उत्तराखंड जो पहले की हालत थी उस तरफ डूब जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप 14 तारीख को बेईमानी और भ्रष्टाचार को ही रोक दें, ब्लॉक कर दें उसको। 14 तारीख को आप वंशवाद और परिवारवाद को ब्लॉक कर दें। 14 फरवरी को आप संप्रदायवाद और तुष्टीकरण को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखा दें।